इस वक्त मैं कलेक्ट्री में मौजूद हूं। आपको बता दें कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी से प्रबल प्रताप सिंह उर्फ राकेश बघेल ने एतमादपुर विधानसभा से नामांकन किया था, कल भी किया और आज भी किया है, आज दोबारा से नामांकन किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी मजबूती है बहुजन समाज पार्टी के रूप में, आपको प्रत्याशी के रूप में आपको एतमादपुर विधानसभा मिली है, क्या कुछ है? मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय बहन जी को, मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ एतमापुर 86 विधानसभा में भेजा है। तो निश्चित ही जिस तरीके से माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं पूरी जनता से अपील करके कह भी चुके हैं और जनता भी चाहती है बदलाव, निश्चित ही इस बार एतमापुर विधानसभा में एक नया कुछ देखने को मिलेगा। एतमापुर की जनता की एक ही मांग है कि जिस तरीके से आपने राकेश बघेल प्रधान से रहकर, जिला पंचायत से रहकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुँचे, आपने क्षेत्र की जनता को विकास तक इतना काम कराया है, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी एतमापुर की जनता से, निश्चित ही इस बार नया कुछ करेगी और बीएसपी इस बार जीतेगी, 100% जीतेगी। धन्यवाद। क्या लगता है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी से 2 साल से सर्विस मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको अब बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है मैदान में, तो उनको मनाने का काम किस तरीके से रहेगा आपका? ये माननीय बहन जी का उच्च नेतृत्व का मामला है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर लेकिन निश्चित ही ये बोलूँगा कि माननीय बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिला है तो निश्चित ही एतमापुर जो विधानसभा की जो वोटों का जन जन की जो पुकार है वो एक तरफ है कि इस बार हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए लोकल का चाहिए, दूसरा जो विकास करने वाला चाहिए, अपना चाहिए, दुलारा चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि हमारे सुख में, दुख में, हारी में, बीमारी में रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फ़ोन उठा सके, ऐसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत है। उन्होंने कुछ देखा है, निश्चित ही इस बार एतमापुर विधानसभा के लोगों ने ठाना है कि इस बार एतमापुर की जनता नया कुछ करेगी और बीएसपी जीतेगी, उत्तर प्रदेश में पहली जीत होगी एतमापुर विधानसभा की। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए आपने जो विकास कराए हैं, क्या लगता है कि उन विकास के, उन कार्यों के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि जनता आपको प्यार देगी? मैं एतमापुर विधानसभा के एक लास्ट में गांव सैपुद्दीनपुर, मुद्दर अलीपुर, खेड़ी अड़ू, कुरगुमा, सैपुद्दीनपुर, रसूलपुर, इधर नयावास, बिहारीपुर, सुरैरा, धरैरा, ये सारी पंचायत हैं, एक भी ऐसी आपको पंचायत नहीं दिखाई देंगी जिससे जिला पंचायत के द्वारा राकेश बघेल ने नहीं काम कराया। मैं बताना चाहता हूं, आपके पत्रकार हैं, आपको एक निवेदन भी करना चाहता हूं, आपने सर्वे भी करा ली होगी, इस सर्वे से आपको निर्णय निकला है, ये जनता की आवाज़ है, इस बार हर समाज की आवाज़ है, मेरे साथ एतमापुर विधानसभा में हर समाज का इतना बहुतायत वोट है, एक तरफ वोट करने जा रही है, 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा, पत्रकार हैं आप, सर्वे करके देख लें, निश्चित ही इस बार बीएसपी जीतेगी, एतमापुर विधानसभा में बहुत बड़ी जीत होगी। धन्यवाद। आपकी एक और, अब भाजपा में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया और आप भारतीय जनता पार्टी से बसपा में आए हैं, धर्मपाल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने सपा में रहते हुए मेहनत की, लेकिन आपका कंपटीशन अगर माना जाए, फाइट मानी जाए, तो वो सीधे तौर पर उन्हीं से है या और कोई? आप, मुझे नहीं लगता किसी से टक्कर है, मैं एक ही बात कहूँगा, क्यों पत्रकार बंधु हैं आप और क्षेत्र में की आवाज़ है, क्षेत्र की देहाती भाषा में, क्यों परे और चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में ये निश्चित है, मुझे नहीं लगता किसी का टक्कर है, निश्चित ही बीएसपी जीतेगी, 100% जीत चुकी है, आने वाले समय में 10 मार्च को रिजल्ट एतमापुर विधानसभा का एक ऐतिहासिक रिजल्ट निकलेगा, उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा होगी इतने वोटों से एतमापुर विधानसभा जीती, बीएसपी जीतेगी, 100% जीतेगी। धन्यवाद। और राकेश बघेल मेरे साथ में थे, जो बहुजन समाज पार्टी से हमने नामांकन किया एतमादपुर विधानसभा से, और खुद कॉन्फिडेंस है उन्हें कि बहुजन समाज पार्टी ने जो निर्णय लिया है और उनको जो बसपा ने जो एतमादपुर विधानसभा में उनको उतारा है, तो एक बड़ी जीत उनकी होने जा रही है 2022 के विधानसभा चुनावों में एतमादपुर की सीट से। देखने वाली बात ये होगी कि जो नतीजे आएंगे वो किस तरह के रहेंगे, वो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में रहेंगे या फिर अन्य किसी दल के फेवर में रहेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।